सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। जितने भी बच्चे हैं सबको पता है कि जेई के बच्चों के साथ क्या हुआ है और क्या चल रहा है। एनटीए ने क्या स्कैम किया, सबको पता है इसके बारे में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जेई के बच्चों को न्याय मिल रहा है? तो अगर न्याय नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें गलती एनटीए की है क्या? नहीं, एनटीए की कोई गलती, इसमें उन लोगों की गलती है, उन टीचर्स की गलती है जो आप लोगों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखावे का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आज प्रोटेस्ट होना था, परसों किसी टीचर ने अनाउंस किया, त्यागी त्यागी टीचर हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है उन पर। उन्होंने अनाउंस किया कि हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे जंतर मंतर पर आज 10 तारीख में, और सुबह 7 बजे से 10 बजे तक प्रोटेस्ट होगा। उन्होंने परमिशन नहीं ली, बच्चों से कनेक्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया। बच्चे बिहार से आए, कुछ दूर दूर से आए, और प्रोटेस्ट हुआ ही नहीं, वो ठीक से नहीं हुआ। अरे जब तुम्हें जंतर मंतर पे ये नहीं पता प्रोटेस्ट कैसे होता है, तो अनाउंसमेंट करना जरूरी था, बच्चों की भावनाओं से खेलना बहुत जरूरी था क्या? गुस्सा बहुत है मुझे। उनको मैंने भी फोन किया और भी बच्चों ने फोन किया, फोन ही नहीं रिसीव किया फिर। और सुबह 7 बजे एक किसी और को साथ में ले जाके वहां फोटो खिंचा के डाल देते हैं। अरे पब्लिसिटी के लिए नहीं है, बच्चों के इमोशंस के साथ मत खेलिएगा। अगर कुछ बस की नहीं है तो अनाउंसमेंट मत करो। तो ये जो बच्चों के इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, जो बच्चा बिहार से आया ट्रेन में बैठ के, और आपने अनाउंसमेंट कर दिया कि हाँ आएंगे, और आप फोन नहीं उठा रहे हैं, आप परमिशन नहीं ले रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? कल जब इवनिंग में बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि सर आपको प्रोटेस्ट पे चलना है, तो मैंने कहा बेटा परमिशन ले लिया आपने, कहाँ जाना? कि सर जंतर मंतर, जंतर मंतर पे चलो ठीक है चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन है? कि सर नहीं है। रात शाम को 6 बजे मैंने कहा एक दिन पहले तो परमिशन नहीं मिलनी आपको। उसके बाद मैंने हेक्स डिपार्टमेंट में कॉल किया, उस बच्चे को कॉन्फ्रेंस में देखे, उन्होंने कहा पवन जी इतने सारे कल के प्रोग्राम हैं, अगर आप दोपहर में भी हमें बताते, आप तो हमें पहले से जानते हैं, तो हम आपका करा देते, अब तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट को देखते हैं उनको भी मैंने कॉल किया, रात में 9:15 पे डीसीपी को कॉल किया, उन्होंने नहीं उठाया। लेकिन जो जंतर मंतर पे देखते हैं उन्होंने सीधा मना कर दिया कि अब होने का ही नहीं है पवन जी, आप पहले बताते। अरे मेरे भाई, वो तो उस टीचर्स को सोचना चाहिए था जो त्यागी जी हैं, कि हमें अगर हमने प्रोटेस्ट के लिए अनाउंस कर दिया है तो उसको हमें कैसे लीड करना है? ये थोड़ी ना कि बच्चों के फोन नहीं उठाते, प्रोटेस्ट तो मैंने भी कराए बिना परमिशन के कराए, लेकिन वो प्रोटेस्ट हुए हैं, और जिस उद्देश्य से हुए हुए हैं वो प्रोटेस्ट। ऐसे नहीं यार, बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, बड़ा गलत किया। और कुछ बच्चे वैभव को ब्लेम कर रहे हैं कि सर तूने गलत कर दिया, ये कर दिया। वैभव की कोई गलती नहीं है इसमें, इसमें उस टीचर की गलती है। जहां मर्जी वहां बोल सकता हूं, अगर प्रोटेस्ट नहीं कराना आता तो ऐसे अनाउंस भी मत करो बच्चों के साथ। और जीत कैसे मिल सकती है ना, जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, यूट्यूब आप वीडियो बच्चों से चलता है आपका क्या? तो ये जितने भी बच्चे हैं सबको अनसब्सक्राइब कर दो आज के बाद, बच्चों से चलता है, घर चलता है आपका, सारे दिल्ली में एकजुट होकर आवाज उठा लो जो बच्चों के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, ट्यूट डाल दिया, इनसे घंटा कुछ हिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। एनटीए को घंटा फर्क नहीं पड़ता, एनटीए पहले भी कह चुका था नीट के मामले में भी कि ट्यूट नहीं देखते हम, बच्चों को फिजिकली आना पड़ेगा। और एक चीज और बता दूं, आप लोगों के अंदर भी यूनिटी नहीं है बेटा। जितना बच्चा है ना जेई का, उसका 5% भी बच्चा दिल्ली में आ गया ना, पूरा दिल्ली रुक जाएगा, लेकिन आना ही नहीं है। 1,70,000 बच्चे तो डेली एनसीआर में रहते हैं, एक बच्चा घर से नहीं निकलता, चूड़ियां पहन के बैठे रहते हो तो बैठे रहो, घंटा ऐसे न्याय नहीं मिलने वाला है। कड़वे शब्द लग रहे होंगे, ठीक है, मैं कड़वा बोलता हूं, बोलने की आदत है कड़वा मेरा, जो सच्चाई है वो बता रहा हूं। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, यूनिटी में आ जाओ, ठीक है? यहाँ तो साला यूनिटी नहीं है। एक बच्चा कहता है जेई वाले बच्चे की प्रॉब्लम है तो नीट वाले बच्चे क्यों साथ दें, एक कहता है जी नीट वाले बच्चों की प्रॉब्लम है तो जेई वाले साथ क्यों दें,
ये कहता था जेई के वालों की प्रॉब्लम है तो डीयू वाला क्यों साथ दे। साले तुम लोगों में यूनिटी नहीं है, गालियां दे रहा हूँ, सॉरी माफी चाहता हूँ मैं उसके लिए। क्या किसानों ने कभी ये बोला था कि मैं गन्ना करता हूँ तो मैं धान वाले का साथ नहीं दूंगा? सब में यूनिटी थी, यूनिटी में आ जाओ जीत जाओगे, अदरवाइज ऐसे ही अन्याय होता रहेगा आप लोगों पर। लिख के दे रहा हूँ, कोई नहीं सुधरने वाला। चीज़ों को दो ही चीज़ें होती हैं, इंसान, कोई भी मंत्री हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी ऑफिसर्स हो, वो आपका भला तब सोचेगा या तो उसका भला हो रहा हो या उसका नुकसान हो रहा हो, दो ही चीज़ों में आपके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, अभी भी सुधर जाओ, टाइम है। चलिए, जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलो देखते हैं, सामने आ जाओ, टाइम है। और वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि मेरी बातें कड़वी बहुत लगती हैं, और त्यागी जी तक जरूर पहुंचा देना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, चलिए जय हिंद।